हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सी टेट से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको मैं बस मेन मेन पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको सी टेट के एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए इस नोट में, बताया गया है कि अगर आपका एडमिट कार्ड में फोटो और साइन सही नहीं है तो आप सी टेट की एक ईमेल पर अपने फोटो और साइन को सेंड कर सकते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड में रोल नंबर और फोटो या साइन गलत है तो वह अपनी एडमिट कार्ड की फोटो इस मेल पर सेंड कर सकता है। अब आगे देखते हैं, फर्दर प्लीज चेक इन पार्टिकल्स एंड अदर डिटेल्स। मतलब इसमें बताया गया है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखना है। देखिए किस किस बात का ध्यान रखना है, अपना तो नेम देखना है, मतलब सही है आप, उसकी स्पेलिंग सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज ऑफर्ड, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस है। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट शुड बी रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 90 मिनट बिफोर द कमिसेंट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट है जिसने एग्ज़ाम देना है वह 90 मिनट, मतलब 90 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाए। कम से कम उसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 90 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ऑन ब्लू ब्लैक वॉल पेन और फिलिंग OMR शीट एज CBSE विल नॉट प्रोवाइड बॉल पॉइंट पेंस फॉर सी टेट दिसंबर 2019। इसमें बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी या कैंडिडेट है वह अपना पेन खुद लेकर आए। पेन ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, पेन आपको ब्लू या ब्लैक लेकर आना है। अब अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कुटेंस बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। इसमें बताया गया है कि विदाउट एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के बिना आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट, इस चौथे पॉइंट में बताया गया है कि आप समय से पहले, मतलब एग्ज़ाम का जितना भी समय है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही एग्ज़ाम का जितना भी समय है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही बिताना पड़ेगा। एग्ज़ाम का समय ख़त्म होने से पहले आप एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते, और एग्ज़ाम छोड़ने से पहले आप अपनी OMR शीट वहाँ के इंचार्ज, आपकी क्लास के इंचार्ज को सबमिट करवानी ज़रूरी है। अब देखिए पाँचवा पॉइंट, इसमें बताया गया है कि आप पेपर में बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर अनुशासन में रहेंगे और वहाँ पर पेपर को फाड़ना नहीं है या कोई ब्लैंक शीट नहीं लेकर जानी। अगर आपके पास कोई अदर पेज पाया जाता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखिए पॉइंट नंबर सिक्स, कैंडिडेट शुड बी यूज ओनली ब्लैक ब्लू वॉल पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले आपको पहले बताया था कि एग्जाम में सिर्फ आपको ब्लू जब ब्लैक पेन लेकर ही जाना है। अब वो देखिए सातवां पॉइंट, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही शी हैज डार्क। इसमें बताया गया है कि OMR शीट में जो भी आप सर्कल भरे उसे अच्छे से डार्क करें और अच्छी तरह से भरे। अब देखिए पॉइंट नंबर एट, ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द टेक्स्ट द कैंडिडेट्स। इसमें बताया गया है कि जो OMR शीट है
वहीं पर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है वहीं पर सबमिट करवानी है, और जो टेक्स्ट बुक है मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप घर लेकर आ सकते हैं। अब देखिए 9th पॉइंट, जी बोला 9th पॉइंट, इसमें बताया गया है कि इस जो एडमिट कार्ड में जो भी रूल्स दिए हैं, जो ऊपर सभी रूल्स दिए हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 10th, इसमें बताया गया है कि अगर आप सी टेट का पेपर पास करते हैं तो आप टीचर बनने के काबिल हैं, ना कि टीचर हैं। इसलिए आपको जो है पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सिर्फ टीचर बनने के काबिल हैं, बल्कि खुद को टीचर नहीं मानना अगर आपका पेपर क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 11th, इसमें बताया गया है कि आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसके बारे में एक दिन पहले ही पता लगा ले कि वह कौन सी लोकेशन पर है, कहाँ पर स्थित है, आपको जाने में वहाँ पर कितनी देर लग सकती है, मतलब एग्जाम सेंटर के बारे में एक दिन पहले ही पता कर लें। पॉइंट नंबर 12th, इसमें बताया गया है अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की डायबिटीज़ है तो वह जैसे वाटर बॉटल्स ले सकता है, शुगर टैबलेट्स लेकर जा सकता है, फ्रूट्स लेकर जा सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है जो कि आप एग्जाम सेंटर में लेकर जा सकते हैं। पॉइंट नंबर देखिए 13, इसमें बताया गया है अगर सी टेट के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बदलाव होता है तो उसके लिए सी टेट की जो मतलब बोर्ड की वेबसाइट है वह रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपलोड करती रहती है, इसलिए आप एग्जाम से पहले उनकी बोर्ड की वेबसाइट को, सी टेट की बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते रहें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई नया रूल आता है तो वह अपनी वेबसाइट पर उस रूल को बता देंगे। अब देखिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आपको क्या ज़रूरी है पेपर में, वो देखते हैं हम। इसमें कैंडिडेट मस्ट बी कैरी, जो कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट मस्ट बी कैरी, इसमें बताया गया है पहले डाउनलोड आईडेंटिटी कार्ड, 1 फोटो इन आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एंड बॉल पॉइंट पेन ब्लैक एंड ब्लू ऑफ गुड क्वालिटी। इसमें बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम में एक तो आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपने एक डाउनलोड वो तो आपको देता है एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, और एक लेकिन ये 1 फोटो आईडी प्रूफ, उसमें आप चाहे पैन कार्ड लेकर जाएं, चाहे आधार कार्ड, चाहे पासवर्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वोटर आईडी, आप इनमें से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। और बताया गया है कि आपको एक बॉल पेन लेकर जाना है जो ब्लैक और ब्लू ही होना चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।